हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग एक और नए क्वेश्चन के साथ आए हैं। हमारा नया क्वेश्चन क्या दिया गया है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। हम लोग को टाइप ऑफ रिएक्शन भी बताना है और हम लोग को ये भी बताना है कि इक्वेशन जो लिखा हुआ है उसको इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करके उसको बैलेंस भी करना है। तो पहला क्या है, पोटेशियम ब्रोमाइड और बेरियम आयोडाइड गिव्स पोटेशियम आयोडाइड एंड बेरियम ब्रोमाइड। तो यहाँ पे देखो, पोटेशियम ब्रोमाइड का बारे में बात करें तो एक पोटेशियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला होता है KBr, ठीक है। और इसका रिएक्शन बेरियम आयोडाइड के साथ कराया जा रहा है, तो बेरियम आयोडाइड Ba(I)2। Ba(I)2 इसलिए हो गया कि बेरियम का वैलेंसी 2 होता है, आयोडीन का वैलेंसी 1 होता है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो Ba(I)2 बनाएगा। रिएक्शन करने के बाद ये पोटेशियम आयोडाइड बना लेता है, मतलब कि Ai बना लेता है, और साथ में बन जाता है Ba बेरियम ब्रोमाइड, ठीक है, BaBr2, ठीक है, बेरियम ब्रोमाइड। ये सॉलिड में है और ये एक्वस सॉल्यूशन है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो ये अगर ब्रेक करेगा तो ये ब्रेक करेगा तो K+ और Br-, और यहाँ पे ये ब्रेक करेगा तो Ba2+ 2I- में ये ब्रेक करेगा। तो पोटेशियम किसके साथ जा रहा है, आयोडाइड के साथ जा रहा है, तो ये +2Ki बना लेगा, ठीक है। पहले बैलेंस कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे आयोडीन 2 है तो दूसरे तरफ में भी 2 होना चाहिए, तो इस तरफ में बैलेंस करने के लिए 2 कर लेंगे। और यहाँ पे पोटेशियम 2 है, हो गया, तो इस तरफ में भी इसको बैलेंस करने के लिए 2KBr से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पे Br भी 2 हो गया जो कि यहाँ पर बैलेंस्ड है। तो इस तरह से ये होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है कि Ba जो होगा वो इसके पार्टनर के साथ जा रहा है Br के साथ, और पोटेशियम जो हो रहा है इसके पार्टनर के साथ जा रहा है Ai के साथ। मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, 2 लगने के बाद 2KBr हो जाएगा, यहाँ पे 2K+2Br हो जाएगा, तो यहाँ पे BaBr2 हो जाएगा, ठीक है, जो कि इस फॉर्म में, और पोटेशियम और आयोडीन, ये क्या होगा। तो दोनों अपने क्या हो रहे हैं, आयन को एक्सचेंज कर रहे हैं। आयन अगर एक्सचेंज होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिया गया है। ओके, क्यों, क्योंकि दोनों अपने आयन को एक्सचेंज कर रहे हैं। नाउ सेकंड सेकंड क्वेश्चन इज जिंक कार्बोनेट गिव्स जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जिंक कार्बोनेट का फॉर्मूला अगर देखें तो जिंक कार्बोनेट को हम लोग लिख सकते हैं ZnCO3। तो ये जिंक कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है तो हीट करने के बाद वो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। तो जिंक ऑक्साइड हो गया ZnO और हमारा साथ में हो गया CO2। तो जिंक ऑक्साइड ये है हमारा, ठीक है, जिंक ऑक्साइड ये है, जिंक कार्बोनेट हमने ब्रेक करके बना, तो ये बैलेंस भी है क्योंकि जिंक 1, ऑक्सीजन यहाँ पे 3, तो 2+ यहाँ पे 2+1 3, और कार्बन भी बैलेंस है, यहाँ पर ये एक तरह से बैलेंस हो गया। अब जब बैलेंस हो गया तो हम लोग को समझना है कि कौन सा रिएक्शन है यहाँ पे। तो देखो, एक बड़ा कंपाउंड ब्रेक होके दो छोटा छोटा कंपाउंड बन रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कोई ना कोई एनर्जी चाहिए इसको ब्रेक करने के लिए, तो यहाँ पे हीट एनर्जी दिया जाता है, ठीक है, तो हीट करने से ये ब्रेक कर जाता है। तो ये एक तरह का कैसा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का डेफिनेशन ये है कि अगर कोई सब्सटेंस, बड़ा सब्सटेंस है, ब्रेक कर जाए दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में, तो वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन इज हाइड्रोजन, ये भी गैसेस फॉर्म में, एंड फ्लोरीन गैसेस फॉर्म में गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन डाई एटॉमिक है, तो डाई एटॉमिक हाइड्रोजन के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, H2। ओके, H2 ये गैसेस फॉर्म में है, और क्लोरीन भी डाई एटॉमिक होता है, तो Cl2, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनाया, मतलब कि 2H+ है, 2Cl- है, तो यहाँ पे 2HCl बनाएगा, तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया। और ये हाइड्रोजन क्लोराइड क्या कर रहा है, ये भी गैसियस फॉर्म में है। ओके, तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस, व्हेन टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन ईच अदर एंड फॉर्म अ सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे दो सब्सटेंस हैं जो आपस में ज्वाइन कर जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं और एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि डिफरेंट प्रॉपर्टी का होता है। तो ऐसे रिएक्शन को
कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और आखिरी अगर दिया हुआ है तो आखिरी अगर हम लोग देखें तो दिया हुआ है मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर रिएक्शन देखें तो यहाँ पे क्या होगा, मैग्नीशियम है, हाइड्रोजन क्लोराइड है। मैग्नीशियम के लिए Mg है और हाइड्रोजन क्लोराइड के लिए HCl। ये रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है MgCl2 और हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस हमेशा H2 के फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा बना। देखो क्या हो रहा है, मैग्नीशियम तो बैलेंस है लेकिन फ्लोरीन और हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। तो फ्लोरीन का भी दो मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन का भी दो, तो इधर दो लिख देंगे तो ये बैलेंस हो गया। तो यहाँ पर Cl भी दो है और हाइड्रोजन भी दो है, तो इस तरह से ये बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैग्नीशियम क्या कर रहा है, ये हाइड्रोजन यहाँ से डिस्प्लेस हो रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन को यहाँ से क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है और मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ खुद रहने लग रहा है। तो ऐसे रिएक्शन में जब कोई एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को अपने से लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को हटा देता है, व्हेन अ एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दे रहा है, इसी वजह से इस रिएक्शन का नाम क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।